वेलकम बैक। ये जी आपकी स्लिंग शॉट है, आपने इसको 90 डिग्री पे एम कैसे करना है लेजर के साथ, ठीक है। तो सिंपली आपने स्लिंग शॉट की जो पाउच में गोली को लोड करना है, आपने गोली को लोड किया और आपने ये फ्रंटल फिंगर है और ये थंब, इसका आपने इसको अपने एक्शन में लेना है फ्रंटल फिंगर के बिल्कुल सेंटर में, और ये पाउच के साथ आपने गोली को पकड़ना है, ठीक है। पाउच को नहीं पकड़ना, गोली जो होगी ना उसके अंदर उसको अपने होल्ड करना है, ठीक है। ये होल्ड कर लिया बिल्कुल यूं आपने, ठीक है। अभी आपने इसको ड्रा करके बिल्कुल अपने नोज और लिप्स के बिल्कुल बीच में लेके आना है, बिल्कुल आपकी जॉज के अंदर, फेशियल जॉज के अंदर लेके आना है, और जॉज के अंदर लेके इसको यूं ड्रा करना, ड्रा करके अपने लेजर को एम करना है अपने जो आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो आपका जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, सिंपली इसको करके और अपने इसको रिलीज करना है। ये आपने रिलीज किया और ये आपका एग्जैक्ट शॉट जो ना लग गया आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये जी मेरे पास रेजिन प्रोडक्ट है, इंशाल्लाह आज मैं इसका कंप्लीट रिव्यू आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, साथ में इसका इंस्टॉलेशन का तरीका और इंस्टॉलेशन के बाद आपको इसके एम करने का तरीका, जो बेसिक स्टेप्स हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं जिन्होंने पहली दफा स्लिंग शॉट इसको चलाना सीखना है या चलाने वाले हैं, तो उनके लिए जो बेसिक स्टेप्स होंगे एमिंग के लिए विदाउट लेजर एंड विद लेजर, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप कंप्लीट वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो ये मैं आपको जी बॉक्स में दिखाने लगा हूँ जी आपके स्लिंग शॉट, तो मैं दिखाता हूँ आपको इस बॉक्स में आपको क्या क्या रिसीव होने वाला है। हेयर वी गो विद अपन स्लिंग शॉट हार्ड प्लास्टर रेजिन मटेरियल है, पिंक कलर में है, एक बैंड देखने को मिल जाता है, साथ में ये आपकी एक्सेसरीज हैं जिनमें ये वाटर लेवल है, लेजर है, साथ में एमिंग फाइबर्स आती हैं और कुछ जो है ना वो एल की वगैरह साथ में होती है ताकि आप स्क्रीज वगैरह को कस लें। तो ये आपका प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी की है, देखिए माशाल्लाह खूबसूरत और माशाल्लाह मजबूत चीज़ है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। आपको इसकी डायमेंशन बता देता हूँ, इसकी मेजरमेंट्स, इसकी जो अपर फोर्क जहाँ पर ये रबड़ बांध है ये कितना है, ताकि आपको जब आप परचेज करें तो आपको कम से कम अंदाजा होना चाहिए। ये 20 mm है, ठीक है, ये आपको शो हो रहा है, ओके। और ये ओवरऑल मैं आपको विड्थ बता देता हूँ ये कितनी है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल आपके सामने 85 mm, ठीक। और जो इसकी ओवरऑल लेंथ है ये आप चेक कर लें, ये आप चेक कर लें, ये इसकी ओवरऑल लेंथ आप चेक कर लें कितनी बन रही है, ये जी 114 mm, 114 या 115 mm है, ठीक है, इसकी जो है ना ओवरऑल लेंथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये आता है, ये लेजर को लगाने के लिए है, जिस तरफ आपने लेजर लगाना है आपने पहले इसको उस तरफ, ये जो आपके डिप्रेशन नज़र आ रहा है आपको इसके अंदर आपने इसको इंसर्ट करना है, सिंपली इंसर्ट किया, ठीक है, साथ में इसको लेजर को पकड़ा और लेजर को आपने पकड़ के ये इसके अंदर डालना है, ठीक है। ये जो आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा है इधर से इसको अंदर डाला, डालने के बाद आपने ये जो आपकी इसमें तीन किस्म के स्क्रूज हैं, ठीक है, नट्स हैं, ये देख लें आप, दो ये हैं और एक ये है, जो ये ज़्यादा चौड़े वाला है वो आपने लेजर की तरफ लगाना है, ठीक है, उसके ऊपर से क्लॉकवाइज इसको घुमा कर टाइट कर देना, ठीक है, जो है ना वो क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर इसका लेजर ऑन हो जाएगा, और हल्का सा आपने लेफ्ट करना है तो ऑन ऑफ, राइट इसको टर्न किया तो ये ऑन, ठीक है, तो इस तरह आपने इसको करना है। और सिंपली आपने लेवल को भी इसी तरह लगाना है, वो आप चेक कर लें, इसके अंदर इसको लेवल को लगाया, ये जो डिप्रेशन आपको ये वाला नज़र आ रहा है इसके अंदर आपने सिंपली इसको लगा देना है, ठीक है, ये आपका लग गया लेवल। तो फिर इसको आपने ये वाले जो स्क्रूज हैं एलकी के साथ इसको यूं इसके अंदर डालना है, और ये वाले जो आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा है इसके अंदर आपने सिंपली इसको लगा देना है, वो इसमें डालने के बाद आप इसको टाइट कर दें ताकि ये मजबूती से अंदर से जकड़े जाएँ, ठीक है, अभी ये बाहर नहीं आएंगे इंशाल्लाह इधर से, और इस अभी ये मतलब इधर से आ जाएगा ना बाहर, तो जब इसको आप इसके साथ टाइट करेंगे तो ये नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये अभी देखें ये नहीं निकला फुल जोर लगाने से भी, तो ये आपकी जी स्लिंग शॉट रेडी है, बस बैंड्स लगाने पर रह गए हैं, इसको अपने क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दोनों को नट लूज करने हैं, इसको आपने इसके अंदर इसको इंसर्ट करना है रबड़ बैंड को, करने के बाद आपने इसको क्लॉकवाइज घुमा देना, ठीक है, ये आपने इसको घुमा दिया, तो इसके बॉक्स में से एक रबड़ बैंड निकलता है, समटाइम्स होता है समटाइम्स होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो जो एक निकलता है वो उसकी क्वालिटी का कोई आइडिया नहीं होता वो किस क्वालिटी के हैं, तो जब भी आप सिंगल प्रोडक्ट ऑर्डर करें तो जो उसकी क्वालिटी हो तो फिर आप उस क्वालिटी के ही साथ गुजारा करें, या फिर आप अलग से परचेज कर लें, रबर बैंड जो अलग से परचेज किए जाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये जी आपकी स्लिंग शॉट बिल्कुल अभी रेडी आपके सामने, ठीक है, इसकी लाइट से उसको घुमा के लेजर ऑन कर देते हैं इंशाल्लाह, अभी ये चेक कर लें आप, ठीक है, ये आपकी स्लिंग शॉट आपके सामने रेडी। वेलकम बैक। ये जी आपकी स्लिंग शॉट है, आपने इसको 90 डिग्री पे एम कैसे करना है लेजर के साथ, ठीक है। तो सिंपली आपने स्लिंग शॉट की जो पाउच में गोली को लोड करना है, आपने गोली को लोड किया और आपने ये फ्रंटल फिंगर है और ये थंब, इसका आपने इसको अपने एक्शन में लेना है फ्रंटल फिंगर के बिल्कुल सेंटर में, और ये पाउच के साथ आपने गोली को पकड़ना है, ठीक है, पाउच को नहीं पकड़ना, गोली जो होगी ना उसके अंदर उसको अपने होल्ड करना है, ठीक है, ये होल्ड कर लिया बिल्कुल यूं आपने, ठीक है। अभी आपने इसको ड्रा करके बिल्कुल अपने नोज और लिप्स के बिल्कुल बीच में लेके आना है, बिल्कुल आपकी जॉज के अंदर, फेशियल जॉज के अंदर लेके आना है, और जॉज के अंदर लेके इसको यूं ड्रा करना, ड्रा करके अपने लेजर को एम करना है अपने जो आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो आपका जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, सिंपली इसको करके और अपने इसको रिलीज करना है।
ये आपने रिलीज किया और ये आपका एग्जैक्ट शॉट जो है ना लग गया आपके टारगेट पे। तो ये लो लाइट में लेजर के साथ स्लिंग शॉट को अपना टारगेट अचीव करने का ये तरीकाकार है। मैं आपको एक सेकंड ट्राई भी देता हूँ, ये चेक कर लूँ, ठीक है। ये अपने बिल्कुल मैंने इसको लोड करके अपने ड्रा किया, नोज और लिप्स में लेके आया और यूँ इसको यूँ किया और अपने टारगेट को लेजर के साथ मिलाया और इसको यूँ छोड़ा, तो ये सिंपली इसके साथ शॉट लग गया। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द थर्ड वन, थर्ड एमओ ये मैं ट्राई करने लगा हूँ इंशाल्लाह। ये चेक कर लें आप, इसको लोड किया, इसको लोड करके आपने इसको ड्रा किया रबर बैंड्स को, यू अपने टारगेट की तरफ लेके गए और लेजर इसको उसके ऊपर मारा और ये छोड़ा आपने, ठीक है। तो ये आपका ये इसका कंप्लीट तरीका आ रहा है, ठीक है। तो आप चेक कर लें इसकी वीडियो को, ठीक है इंशाल्लाह। और ये जिस भाई को चाहिए हमारी जो है साइट पर अवेलेबल है। फिलहाल आज डेट है वो 16, आज 16 ऑफ अप्रैल है 2024 है। तो आज की डेट में इसकी जो प्राइस है वो 1600 रुपये इसकी कीमत है, ठीक है, और डिलीवरी के पैसे अलग से लगते हैं। तो जिस भाई को चाहिए आप चेक कर सकते हैं साइट पे, और ये स्क्रीन पे आपको नंबर भी शो हो रहा है, ठीक है। आप स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर भी आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।